सकती है। उदयपुर जिले के कोटडा तहसील के दो किसान भीमा गमेती और साइबा गमेती ने अधिवक्ता नरेंद्र जोशी के माध्यम से राजस्थान मरुधरा बैंक शाखा कोटडा में कार्यरत राजीव तत्समय कैशियर व बैंक प्रबंधक के खिलाफ आज FIR दर्ज करवाने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश विश्नोई से मिले और पूरे मामले से अवगत करवाया। दरअसल भीमा गमेती और साइबा गमेती का खाता कोटडा के राजस्थान मरुधरा बैंक में है और दोनों ही अशिक्षित हैं। दोनों आरोपियों ने प्रार्थी के बैंक खाते के दस्तावेज पर अंगूठा लगवा कर राशि निकलवा ली। कई खाली कागजों पर भी अंगूठे के निशान लगवा रखे हैं। साथ ही पीड़ित के पुत्र लिम्बाराम के भी हस्ताक्षर करवा दिए और पीड़ित को धमकाया कि यदि पीड़ित ने किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया तो पीड़ित को सरकार से प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। इसी तरह दूसरा मामला साइबा गमेती का है, जिसके बैंक खाते में शौचालय योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए 29 मार्च 2018 को क्रेडिट हुए थे। जब प्रार्थी उक्त राशि विड्रॉल करने हेतु विपक्षी बैंक गया तो बैंक द्वारा कहा गया कि प्रार्थी का बैंक में कोई खाता ही नहीं है, जबकि प्रार्थी के पास समस्त दस्तावेज मौजूद थे। इसके बाद प्रार्थी जब बैंक गया तो बैंक प्रबंधक द्वारा कोई भी राशि उसके खाते में होना नहीं बताया। साथ ही विपक्षी बैंक द्वारा प्रार्थी की आज तक गुमराह किया जा रहा है। इन दोनों प्रकरणों पर प्रार्थी साइबा और भीमा गमेती ने अधिवक्ता नरेंद्र जोशी के साथ पुलिस अधीक्षक से मिले और पूरे मामले से अवगत कराया। इस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिए जाने पर तत्काल कोटडा थानाधिकारी को सूचित कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए संज्ञान लिया। सर जी, मामला इस प्रकार का है कि मई माह 2018 में एक प्रार्थी आता है मेरे पास, पीड़ित भीमा गमेती नाम का व्यक्ति अपने बेटे के साथ, और वो कहता है कि सर मैंने नोटबंदी के दौरान 45,000 रुपये अपने खाते में जमा कराए थे और 45,000 रुपये में से मैंने मेरे खाते से केवल 4 ट्रांजेक्शन किए हैं, और फिर मैंने जब डायरी की एंट्री कराई और देखी तो उसमें 5,000 के 7 ट्रांजेक्शन थे। एक बैंक पे ऐसी बात बिलीव नहीं हुआ मुझे, लेकिन उन्होंने जब दबाव डाला तो मैंने इस संदर्भ में एक RTI और एक विधिक नोटिस भेजा बैंक को, तो जिसमें विधिक नोटिस का कोई जवाब नहीं है, न ही कोई RTI का जवाब आया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बैंक के खिलाफ इन लोगों को कन्फ्यूजन होगा, हो कोई गलती हुई होगी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसी गांव का एक व्यक्ति और आता है और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक पे आरोप लगाते हुए ये कहता है कि सर मेरी शौचालय योजना के 12,000 रुपये बैंक में क्रेडिट हुए थे और वो 12,000 रुपये की जो राशि है वो जब मैं निकालने के लिए गया तो मालूम पड़ा कि 10,000 रुपये तो किसी और ने निकाल दिए, और मैंने कहा सर मेरे पैसे बाकी वाले, तो वो कहते हैं कि आपका तो इस बैंक में खाता ही नहीं। मेरे 10,000 रुपये निकाल दिया। कहीं निकाला? क्या पता कितने निकाला, पता नहीं लगा। देश में 3 तलाक बिल को लेकर छिड़े घमासान के बीच बुधवार को अंजुमन तालिमुल इस्लाम के बैनर तले उदयपुर में मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम संगठनों के द्वारा 3 तलाक बिल के खिलाफ मौन जुलूस निकाला गया। जिला कलेक्टर पर पहुंचने के बाद रैली सभा में तब्दील हो गई। इस मौके पर खास बात के